हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यूएस टेक। आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में हम लोगो कैसे चेंज करते हैं, टाइटल कैसे चेंज करते हैं। देखिए, लोगो क्या होता है, डिफॉल्ट में ये आपको नाम लिख के देता है। जब आप क्या करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। जैसे टाइटल का नाम क्या होता है, वही टाइटल का नाम वो उसका क्या कर देता है, लोगो बना देता है। मगर हमें क्या करना है, वर्डप्रेस का लोगो चेंज करना है। लोगो चेंज करने के लिए दो प्रोसेस होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास थीम आपको देता है लोगो चेंज करने का ऑप्शन एडमिन के अंदर, नहीं अगर थीम आपको ऑप्शन नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्लगइन इंस्टॉल करके भी आप अपने लोगो को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में थीम कहां पे ऑप्शन देता है, जहां से आप लोगो और टाइटल को क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी साइट है। इस साइट में देखिए, यहां पे हमें लोगो अपना लगाना है और यहां पे वो जो ये जो टैग लाइन आ रही है इसको भी क्या करना है, हटाना है। तो लोगो लगाने के लिए आपको क्या करना है, मैं बता देता हूं। आपको जाना है डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज, कहां पे जाना है, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइट आइडेंटिटी, इस साइट आइडेंटिटी वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए, क्लिक करने के बाद वो आपको दे रहा है लोगो। यहाँ पे देखिए, देखिए ये इस थीम में ऑप्शन है। अगर आप कोई और थीम इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव करते हैं, वहां भी लोगो का ऑप्शन आएगा, मगर उसकी जगह अलग हो सकती है। वो कस्टमाइज में अलग से ऑप्शन दे सकता है कि कस्टमाइज में आपके पास नीचे डायरेक्ट ही दिख जाए लोगो का। यहाँ पे इस थीम में साइट आइडेंटिटी के अंदर ऑप्शन है। मोस्टली अगर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन आता है वो साइट आइडेंटिटी के अंदर ही आता है, नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लोगो का ऑप्शन कहाँ पे है। तो हम साइट आइडेंटिटी में जाके यहाँ पे लोगो सेलेक्ट, लोगो सेलेक्ट, लोगो करेंगे। सेलेक्ट लोगो करने के बाद देखिए, यहाँ पे आपकी मीडिया खुल जाती है। मीडिया लाइब्रेरी में अगर आपने लोगो इंस्टॉल कर रखा है तो मीडिया के अंदर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपलोड फाइल। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपलोड फाइल में जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ लोगो को। डेस्कटॉप पे लोगो मैंने क्या कर रखा है, एक रख रखा है यहाँ पे। देखिए, मैंने logo.png को यहाँ पे क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, और यहां से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। वो क्रॉप करने के लिए पूछ रहा है, अगर आप क्रॉप करना चाहते तो यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा लोगो आप यहाँ पे ले सकते हैं, या स्किप क्रॉपिंग कर दीजिए या क्रॉप इमेज कर दीजिए। स्किप क्रॉपिंग करेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी इमेज आपकी लोगो की तरह क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो मैं यहां से स्किप क्रॉपिंग कर देता हूं, और देखिए यहां पे आ गया है आपका लोगो, और यहां से आप इसको क्या कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। देखिए, पब्लिश होने के बाद जैसे आप पब्लिश कर चुके हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसको क्या कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे WS Cryptek का लोगो आ गया, और यहाँ पे टाइटल और टैगलाइन अभी भी आ रहा है। तो वहां पे ऑप्शन है कि अगर आपको डिस्प्ले टाइटल और टैगलाइन कराना है तो आप इसको चेक करिए, नहीं तो अनचेक कर दीजिए। और यहां से आप इसको क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे, तो केवल आपका क्या दिखेगा, आपके सामने लोगो दिख जाएगा। तो देखिए, मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, पब्लिश कर देता हूं। पब्लिश करने के बाद जाके मैं यहां से क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखिए, हमारा क्या दिख गया, लोगो दिख गया। और वहां पे एक ऑप्शन और था, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ऑप्शन है सेलेक्ट साइट आइकन। देखिए, साइट आइकन क्या होता है, मैं ये भी बता देता हूं आपको। साइट आइकन होता है ये जो दिख रहा है आपकी वेबसाइट पे, ये ऊपर की साइड, ये देखिए, ये जैम का एक आइकन बना हुआ आ रहा है। साइट आइकन को हम यहां पे क्या कहते हैं, फैब आइकन भी कहते हैं। फैब आइकन भी चेंज करना है तो यहां पे ऑप्शन है, आप यहां से क्या करेंगे, सेलेक्ट आइकन पे क्लिक करेंगे और ये WS Cryptek की सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट कर दीजिए यहां से, और स्किप क्रॉपिंग कर दीजिए, और यहां से आप इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद जब आप जाके वेबसाइट पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहां पे आपका आइकन देखिए चेंज हो चुका है। तो ये ही ये क्या होता है, आपका साइट आइकन। अगर ये डेवलपर के हैंड से देखेंगे तो इसको हम फैब आइकन भी कहते हैं। तो साइट आइकन भी आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, और यहाँ पे WS Cryptek लिखा हुआ है। तो ये यहीं से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे टाइटल चेंज कर देंगे, जैसे साइट का टाइटल जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा WS Cryptek और यहाँ पे लिख दिया होम, और यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। देखिए, पब्लिश करने के बाद जब मैंने जाके यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब आप देखिएगा क्या लिखा हुआ आ रहा है, WS Cryptek और होम, क्योंकि मैंने साइट टाइटल और टैगलाइन यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आप भी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। और हम जब योस्ट प्लगइन पढ़ेंगे, जो SEO का प्लगइन आता है, वहां भी आप हर पेज का टाइटल अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अभी जो टाइटल आ रहा है वो कहां से आ रहा है, अपीयरेंस के अंदर से। साइट आइडेंटिटी के अंदर ऑप्शन है, आप लोगो कर सकते हैं, टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं, टैगलाइन कर सकते हैं, और साइट आइकन कर सकते हैं। साइट आइकन का मतलब फैब आइकन ये रहा। अब एक चीज का गाइस ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लगइन से भी लेके आ सकते हैं कि हम प्लगइन से कैसे इसको सेट करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम अपनी वेबसाइट का लोगो कैसे चेंज करेंगे, अगर साइट का टाइटल चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे, टैगलाइन कैसे चेंज करेंगे, और साइट का आइकन कैसे चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।